ज्योतिर्लिङ्ग सुप्रभात। दर्शक बंधु आज अतिथि आम सहित स्टूडियो में पहुंची सारी चलतु सहित ही कथा हवा। आमर आज अतिथि आम देशर जन बेस जनाशुना डाक्टर दिल्ली एम्स और चंडीगढ़ पीजीआईएमईआर रे जकृत बा लिवर रोग विशारद भाव सफलतार सह से कार्य करिसेंति। केंद्र सरकार तांको कार्य दक्षता पई पद्मश्री सम्मान रे तांको सम्मानित करिसेंति। वर्तमान से किम्स रे चेयरमैन एकेडेमिक्स भाव कार्यरत। आमर आज अतिथि पद्मश्री डॉक्टर जोगेश चावला सर, आपको कलिंग सुप्रभात में स्वागत। पहले बताइए कि आप चंडीगढ़ में हैं, वहाँ पीजीआईएमईआर में काम कर रहे थे, तो किम्स में क्या ऐसा लगा आपको कि आप इंस्पायर हुए किम्स आने के लिए? उड़ीसा आना पड़ेगा मुझे। मैं पीजीआई में पिछले 35 साल से लिवर डिपार्टमेंट संभाल रहा था जी, और पिछले 5 साल में वहाँ का डायरेक्टर था मैं पीजीआई का जी, जिसमें कि हर तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। इंस्टीट्यूट का दर्जा मैंने ऊपर किया, कई नई चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे शुरू की। तो इसी क्योंकि मेरे को ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता था, तो यहाँ के फाउंडर डॉक्टर अच्युत सामंता जी मेरे डायरेक्टरशिप के समय पीजीआई में आए थे, और जब इनकी काम की जो जिस तरह से किम्स को इन्होंने बनाया, किट यूनिवर्सिटी को बनाया और किस यूनिवर्सिटी को डेवलप किया, तो मैं इनके ये कार्यों से बहुत इम्प्रेस हुआ। और उसी समय मेरे को लगा कि सुपर एनुएशन के बाद कुछ समय मैं चंडीगढ़ में बिताऊंगा, और अगर मौका मिलता है तो किम्स में भी जाके, जो पीजीआई जिसका स्टेचर आज की तारीख में इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो कुछ नई चीज़ें वहाँ पर आके करूँ, यही मेरी इच्छा थी। और जो कि सामंता साहब ने मेरे को क्योंकि ऑफर दिया था और बोला था कि आप उसके बाद उड़ीसा के लोगों की भी थोड़ा सेवा करें तो अच्छा रहेगा, तो मैं उस चीज़ के लिए मान गया। अब कैसा महसूस हो रहा है उड़ीसा के? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस तो है दोनों सिटीज़ का, बट दोनों वेरी वेल प्लान्ड सिटीज़ हैं, और जिस तरह से पोटेंशियल मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट का देख रहा हूँ उनके नेतृत्व में, और जिस तरह से प्रो चांसलर्स यहाँ पे प्रोफेसर सुब्रत आचार्य हैं जो कि मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं पिछले 40 सालों से, तो उनके साथ काम करके मेरे को अच्छा लग रहा है, और मेरे को लगता है कि कुछ समय में ये एक बेस्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगा एटलीस्ट ईस्टर्न इंडिया का, और हमारा एम रहेगा कि ये इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट हो। डॉक्टर आचार्य ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट रहे हैं और वहाँ पे डीन रहे हैं, हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। मैं पीजीआई चंडीगढ़ का हूँ, यही दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंट्री में टॉप पे हैं, तो हम दोनों अपने इंस्टीट्यूट्स की पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर ले आके इसको ऊपर करना चाहते हैं। डॉक्टर चावला, जैसे कि आप बहुत सारी जगह में काम किए हैं, बहुत लोगों को मिले हैं, बहुत तरीके से भी काम किए हैं, जो हेल्थ की जो सर्विस है वो उड़ीसा में उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? उड़ीसा में हेल्थ स्टैंडर्ड जैसे कि बाकी स्टेट्स में है वैसे ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो टॉप क्लास है, बट स्कोप इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा है, और कई इनोवेशंस हमें लाने चाहिए, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को किसी तरह वाईफाई किया जाए, एम्बुलेंस सर्विसेज इम्प्रूव होएं, डॉक्टर्स वहाँ पे बिठाए जाएं, इंसेंटिवाइज उनको करके, तो मेरे ख्याल में इस तरह से अगर खामियां इम्प्रूव हो सकती हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनको टर्शरी सेंटर्स बना के डिफ़िकल्ट केसेस यहाँ पे भेजे जाएं, तो वो मेरे को लगता है उड़ीसा के लिए बहुत अच्छा होएगा। ये एक बहुत भारी कमी है हमारे सारे स्टेट्स में, जिस करके कि हमारे दो इंस्टीट्यूट्स एम्स और पीजीआई में इतनी भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये बेसिक सर्विसेज दे नहीं पाते हैं, और सारे मरीज़ वहाँ पे आने की करते हैं,
जी लीवर डिजीज की बात अगर मैं करूं, लीवर डिजीज, आप लीवर डिजीज के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं अभी, तो कैसे पता चलेगा एक लोग को कि कैसे लीवर अटैक डिजीज अटैक कर रहा है उसको, और क्या सिम्टम्स है उसका? सी, लीवर डिजीज को हमेशा इग्नोर किया गया था जी, बट रिसर्च और जिस तरह से अवेयरनेस लोगों की बढ़ी है तो लिवर डिजीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस की इशू बन गई है. इंडिया में डायबिटीज़ कैपिटल है इंडिया जी, का जी. सो पहले नहीं पता था कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी करके लिवर डिजीज़ हो सकती है, बट अब हमें पता चल रहा है कि सिरोसिस जो कि एक एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है, सिरोसिस, इसको हमेशा हम अल्कोहल के साथ कोरिलेट करते हैं या हेपेटाइटिस बी और सी के साथ, वायरल इन्फेक्शन के साथ करते हैं, बट ये एक कंडीशन अब डेवलप हो रही है ओबेसिटी और डायबिटीज करके भी सिरोसिस हो जाता है. और यदि आप स्टैटिस्टिक्स देखें लिवर ट्रांसप्लांट, इसका इलाज सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट है, स्टैटिस्टिक्स देखें इंडिया में तो ये सेकंड कॉमनेस्ट कॉज बन रहा है आफ्टर अल्कोहलिक लिवर डिजीज. सो ये एक इशू जो मैं सोचता हूँ कि उड़ीसा में भी है. दूसरा, अल्कोहल का भी सेवन सब जगह होता है और अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीजेस भी उड़ीसा में कॉमन है. हालांकि हेपेटाइटिस बी उड़ीसा में नेशनल एवरेज के हिसाब से 3% पाया जाता है और वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू है जो कि पूरी कंट्री में मेडिसिंस दी जाती हैं, प्रेवलेंस उतना ही है जितना कि पूरी कंट्री में है. हेपेटाइटिस सी पंजाब में बहुत ज़्यादा है, प्रॉबेबली इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़ करके है या क्या है, बट वो उड़ीसा में इतना ज़्यादा पाया नहीं गया है या इसकी पूरी स्टडी नहीं हुई है. हो सकता है कुछ पॉकेट्स हों जहाँ पर ये क्वैक्स जहाँ प्रैक्टिस करते हैं शायद वो ज्यादा हुए, बट हेपेटाइटिस बी ज्यादा प्रेवलेंट है. हेपेटाइटिस बी हो जैसे आप अल्कोहल बोले, ये सब डिजीज के लिए अवेयरनेस का लेवल कहाँ पे है, स्तर कहाँ पे है, कितना हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर जनरेट कर पा रहे हैं? अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है और ये अवेयरनेस यूजली पब्लिक एजुकेशन के साथ हो सकती है और उसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल पाया जाता है. अब जैसे एचआईवी के बारे में सबको पता है, बट हेपेटाइटिस बी और सी जो कि ज़्यादा जानलेवा हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है. सो एक तो वो, दूसरा अल्कोहल के बारे में कोई नहीं बोलता है. पॉसिबली अल्कोहल से रेवेन्यू मिलता है एक्साइज और उन चीज़ों से, बट अल्कोहल इज अ मेजर प्रॉब्लम. सो पब्लिक को लिवर डिजीज के लिए तो पब्लिक को अवेयर करना बहुत जरूरी है. अगर एक बात बोलूंगी, हालांकि अभी जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन अभी उड़ीसा में उपलब्ध नहीं है, बट किम्स की बात अगर करूँ, किम्स में कब उपलब्ध होगा, इसमें इस बारे में क्या कहें? किम्स में हम लोग प्लान कर रहे हैं और हमने कुछ आइडेंटिफाई भी किए हैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन्स, जो कि थोड़ा सा हमारा एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है जी. वहाँ पे बाकी और एंसिलरी फैसिलिटीज़ अगर और इम्प्रूव हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में 6 महीने या 12 महीने के अंदर यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए. लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया में कौन सा को अच्छा जगह माना जाता है? लिवर ट्रांसप्लांट दिल्ली में सबसे ज़्यादा किया जाता है, फॉलोड बाय साउथ इंडिया चेन्नई, बट काफ़ी सेंटर्स हैं जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है. पीजीआई में हमने शुरू किया था, वहाँ पे मेनली कैडवर एक ट्रांसप्लांट किया गया था चंडीगढ़ में, बट मोस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स किए जाते हैं, जिसका मतलब कि कोई रिश्तेदार को देना पड़ता है आधा लिवर. सो आइडियली एक्सीडेंट विक्टिम्स का लिवर मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें दो लोगों की जान जोखिम में पड़ी रहती है, डोनर की भी होती है और जिसको लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है उसकी भी होती है. सो आइडियली अगर उड़ीसा में हम किसी तरह ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करें
लोगों का आपको अवेयरनेस। लगता है कि किम्स में वो सुविधा उपलब्ध है, वो व्यवस्था है जो व्यवस्था हो जाएगी इसके लिए हम लोग, मतलब जो सोच रहे हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में, हाँ, वो हो सकता है किम्स में? बिल्कुल हो सकता है, और कोई उसमें कारण नहीं है कि नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे पास एनेस्थेटिस्ट अच्छे हैं, हमने लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन भी आइडेंटिफाई कर लिया है और वो 6 महीने में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो सबसे डिफ़िकल्ट मानी जाती है। लिवर ट्रांसप्लांट यूजुअली 10 से 12 घंटे लगाता है एक पेशेंट पे, और हर एक डॉक्टर उसके लिए ट्रेन नहीं हो सकता, बहुत पेशेंट्स चाहिए। सो डॉक्टर्स कंट्री में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक डॉक्टर जो PGI से ट्रेंड था उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, और हो सकता है 6 महीने में वो ज्वाइन करें। जैसे लीवर ट्रांसप्लांट हम देखते हैं कि ज़्यादातर BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं देश के लोग, गांव के लोग, ये लोगों के लिए पॉसिबल है लीवर ट्रांसप्लांट करना खर्च के हिसाब से? ये इसमें कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट को थोड़ा सा तो एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर लिवर ट्रांसप्लांट होए तो उसमें खर्चा 7 से 10 लाख का होता है, और अगर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में देखें तो वो 25 से 30 लाख का हो जाता है। और नॉट ओनली सर्जरी, उसके बाद जो इम्यूनो सप्रेशन देना पड़ता है वो अबाउट 10,000 रुपीज़ पर मंथ करना पड़ता है। सो मेरे ख्याल में अब योजनाएं बननी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि ट्रांसप्लांट भी गवर्नमेंट सपोर्ट अगर करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लिवर डिजीज जो होता है वो उसका रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है क्या? मतलब हम उसको आधार करके जैसे हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज हुआ तो डायबिटीज से बहुत सारा ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ऐसे एक ही डायबिटीज से और कुछ कुछ लिवर प्रॉब्लम से और क्या क्या दिक्कत आ सकती है एक आदमी को? लिवर डिजीज़, अब जैसे अल्कोहल करके अगर लिवर डिजीज़ है तो हो सकता है अल्कोहल करके पैनक्रियाज भी इन्वॉल्व हो, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। लिवर डिजीज अगर किसी को है तो किडनी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, जैसे सिरोसिस लिवर है तो ये वाले पेशेंट्स का इतना डेलिकेट बैलेंस होता है कि यदि इन्फेक्शन हो जाए या किसी तरह ब्लड प्रेशर उनका कम होए तो किडनीज अफेक्ट हो जाती हैं। सो यूजुअली लिवर एंड किडनीज दे गो टुगेदर। तो प्राइमरी टाइम में जो लिवर डिजीज अगर होता है तो फिर कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए पहले प्राइमरी टाइम में? प्राइमरी टाइम ट्रीटमेंट से पहले एक आदमी को कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलता है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि लिवर डिजीज है, वो तभी पता चलता है अगर एग्जीक्यूटिव चेकअप होए या 30-40 इयर्स में कभी उनका लिवर फंक्शन किया जाए और उसमें अब नॉर्मेलिटी आती है तो फिर वर्कअप करना चाहिए। बट बाकी 50% में लिवर डिजीज करके एक तो थकावट ज़्यादा होती है, अच्छा, रूटीन काम में, फिर यूरिन उनका येलो कलर्ड शुरू हो अच्छा। जाता है होना, भूख लगनी कम हो जाती है, आईज पीली हो जाती हैं, तो ये हमें थोड़े टेल टेल साइंस सिम्टम्स पता चल जाते हैं और इनको फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिसमें कि लिवर फंक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, हेपेटाइटिस बी और सी इम्पॉर्टेंट है पता करना, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट अलग अलग हैं, और अल्कोहल अगर है तो उसको बंद करना है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना है। बिल्कुल, यदि ये चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं और पेशेंट अपने आप को इन्वेस्टिगेट नहीं करवाता है तो ये आगे चल के सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सिरोसिस में लिवर नॉर्मली बड़ा सॉफ्ट होता है बट वो हार्ड हो जाता है। उससे पहले अगर कोई सिम्टम्स आता है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, और एक बार सिरोसिस में डेवलप हो जाए तो उसमें रिवर्सिबिलिटी एक तो नहीं होती है, और सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन होते हैं पेट में पानी आ जाना, पैरों में स्वेलिंग आ जानी, ब्लड वॉमिटिंग होनी और बेहोशी हालत, और अगर वो भी सिम्टम्स नहीं होते हैं और इग्नोर हो जाते हैं तो कुछ समय के बाद लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, तब ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर चावला, एक बहुत कुछ तो बात करना है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहीं पे, ब्रेक के बाद हम ये बातचीत फिर जारी रखेंगे। तो दर्शक बंधु, ये छोट विरती पर रहा विरती पर आलोचना जारी रही है। सुप्रभात कलिंगा
विरती पर स्वागत आम आलोचना आगो को बढ़ाइबा आम सहित डॉक्टर चावला अच्छा सहित आलोचना करवा निहत भाव में डॉक्टर चावला जे से आप बोल रहे थे कि लिवर डिजीज के बारे में लिवर डिजीज में क्या होता है अगर डिजीज होता है तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है आप बोल रहे थे तो कैसा प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए बट अगर घर में बोलेंगे तो मरीज कैसे खुद मतलब अच्छे से रह पाएगा और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज करना चाहिए कि या नहीं तो फिर लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ये बारे में क्या बोलेंगे आप? अब जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे 50% ऑफ लिवर डिजीजेज में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते और वो पकड़ा जाता है लिवर फंक्शंस करने के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन एग्जीक्यूटिव चेकअप में वो पकड़ में आ जाता है बट अगर सिम्टम्स होते हैं तो यूजुअली एक तो थकान बहुत ज़्यादा होती है यूरिन कलर चेंज हो जाता है येलो हो जाता है आईज पीली हो जाती हैं और भूख लगनी बंद हो जाती है तो ये टेल टेल साइंस हैं लिवर डिजीज़ के सो ये हमेशा इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है लिवर फंक्शन और उसके बाद यदि उसमें एबनॉर्मैलिटी है तो फिर हेपेटाइटिस बी और सी उनके ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हैं तो वो हमें करना चाहिए बट जैसे डायबिटीज और ओबेसिटी आजकल ज़्यादा हो रही है तो इसके साथ एसोसिएशन लिवर डिजीज का काफी पाया जाता है जो जो लोग डायबिटीज में आक्रांत है वो लोग लिवर डिजीज में आक्रांत हो सकते हैं क्या बिल्कुल हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स का लिवर अफेक्टेड है और वो किस तरह पता चलता है अगर अल्ट्रासाउंड होए तो उसमें फैटी लिवर दिख जाता है फिर फैटी लिवर को अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं लिवर फंक्शंस के साथ तो उसमें 20-30% लोगों को अंदर इन्फ्लेमेशन एडवांस्ड फैटी लिवर डिजीज होती है और ऑलमोस्ट 10% डायबिटिक्स के अंदर सिरोसिस पाया जाता है जो कि मरीज को पता नहीं चलता तो ये डिजीज ना हो इसलिए पहले से क्या करना चाहिए ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उसमें ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए जैसे डायबिटीज और ओबेसिटी में कहा जाता है कि डाइट आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए लेस ऑफ शुगर लेस ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बट सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज जो कि आजकल लोगों में कम किया जाता है एटलीस्ट द यंगर जनरेशन सो अबाउट 45 minutes ऑफ वॉक ब्रिस्क वॉक एवरी डे कवरिंग 5 kilometers एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है अमेरिकन एसोसिएशन की सो वो करना चाहिए ताकि डायबिटीज भी कंट्रोल होए ओबेसिटी भी कंट्रोल होए और इन टर्न लिवर डिजीज भी कंट्रोल हो जाती है एज के हिसाब से कुछ है आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कौन से उम्र कौन से वर्ग में आप ज़्यादा देखे हैं लिवर का ये प्रॉब्लम लिवर डिजीज मोस्टली 30-40-50 वाली एज में और बढ़ता जाता है सबसे कम बच्चों में पाया जाता है क्योंकि हर एक लिवर डिजीज को टाइम लगता है 20-25 साल लग जाते हैं 15-25 साल अल्कोहल का असर अगर एक्सेसिव ड्रिंकिंग है तो 15 साल के अंदर लिवर डिजीज हो जाती है हेपेटाइटिस बी के साथ अगर अफेक्टेड है तो हो सकता है कुछ साल ज्यादा ले हेपेटाइटिस सी टेक्स अबाउट 25 years और ओबेसिटी और डायबिटीज वो भी 25-30 साल लग जाते हैं सो इसलिए ये अर्ली एजेस में ये प्रॉब्लम्स यदि कंट्रोल में नहीं की जाएं तो 40-50 साल या 30 साल की उम्र में पेशेंट्स को लिवर डिजीज ज्यादातर किस में देखते हैं आप मेल या फीमेल में लिवर डिजीज ज्यादातर लिवर डिजीज ज्यादा मेल्स में है इसलिए क्योंकि अल्कोहल की कंजम्पशन मेल्स में ज्यादा होती है हेपेटाइटिस बी और सी ऑलमोस्ट सेम है मेल्स एंड फीमेल्स में और सेम इज ट्रू फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज सो वो जनरल प्रेवलेंस जो कंट्री का है उसके बेसिस पे है एक कहावत है कि लिवर स्पेशलिस्ट्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी अगर लोग अल्कोहल नहीं पिएंगे हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन हो जाएगी हेपेटाइटिस सी आजकल ट्रीटेड है सो ऑलमोस्ट 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल है
वो अगर पकड़ में आ जाए और लाइफस्टाइल डिजीजेस अगर इम्प्रूव हो जाए, डायबिटीज, ओबेसिटी कंट्रोल में हो जाए तो लिवर स्पेशलिस्ट की ट्रांसप्लांट करने की नौबत कब आती है? ट्रांसप्लांट की नौबत इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ लिवर डिजीज में आती है, और इरिवर्सिबल हम तब बोलते हैं अगर वो सिरोसिस वाली स्टेज में चले जाते हैं, साथ में कॉम्प्लिकेशंस हों जैसे पेट के अंदर पानी आ जाए सिरोसिस करके, बेहोशी हालत बार बार होने लगे, लिवर कैंसर हो जाए या ब्लड वॉमिटिंग हो जो कि अनकंट्रोलेबल है एंडोस्कोपी के साथ। फिर एक ग्रुप होता है एक्यूट लिवर फेलियर का, जो कि जैसे ही इन्फेक्शन पेशेंट को होती है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई के करके, वो विद इन अ वीक बेहोशी हालत में चले जाते हैं। तो कितने दिन के अंदर हम लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर क्रोनिक की बात करेंगे तो फिर ट्रांसप्लांट की वो टाइम आ सकता है। वो हमें ट्रीटमेंट इमीडिएटली, मतलब ट्रांसप्लांट इमीडिएटली नहीं करना है की जरूरत पड़ती। कितने दिन के अंदर हम लोगों को, ये डिपेंड करता है कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। अगर पेट का पानी दवाइयों के साथ कंट्रोल में नहीं होता है तो हमें फिर 3 से 6 महीने के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। अगर लिवर कैंसर है तो वो जितनी जल्दी होए ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट भी इमीडिएटली नहीं होता है, उसको भी 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। पेशेंट की मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए, फैमिली की मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्राइमरी जो सिम्टम्स होता है वो क्या होता है, और क्रोनिक स्टेज में जो सिम्टम्स आता है वो क्या होता है, वो डिफरेंस बताइए। प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी कम हो जाती है, फटीग हो जाता है, और अनवेल पेशेंट होते हैं, और येलो कलर्ड यूरिन और आईज। और क्रोनिक स्टेज में क्या होता है? और क्रोनिक स्टेज में ये कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बताए, पेट के अंदर पानी, इसको असाइटिस बोलते हैं, कोमा हो जाता है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन क्योंकि होता है तो वो इररेलेवेंट बातें करने लग जाते हैं, और ब्लड वॉमिटिंग अगर हो जाए इनको, तो ये क्रोनिक स्टेज के सिम्टम्स हैं। जी डॉक्टर चावला, बहुत बात कुछ हम कर लिए, फिर भी बहुत कुछ रह गया जो बात करना था हमको, शायद इतना टाइम भी नहीं है। शायद आखिर में ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि उड़ीसा का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, उड़ीसा का पूरा हेल्थ का सिनेरियो उड़ीसा में कैसा देख रहे हैं, और किम्स का जो योगदान है उड़ीसा की हेल्थ में वो कैसा देख रहे हैं आप, और जो उड़ीसा के लोग हैं, जो जनरेशन है, उनसे आप क्या बोलेंगे, आपका मैसेज क्या रहेगा? उड़ीसा के लोगों के लिए एक तो मैसेज मैं ये दूंगा कि उनके लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि उड़ीसा के लोग मिठाइयों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपके रसगुल्ला बड़े फेमस हैं। सो यदि आप मीठी चीज़ें और फैटी चीज़ें आप अगर कम लेते हैं, इन मॉडरेशन लेते हैं, तो लिवर डिजीज में फ़ायदा हो सकता है। सेकेंडली वैक्सीनेशन सबको हो जाना चाहिए, जो कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। सो वो सिर्फ बच्चों में वैक्सीनेशन का है, देखा है, क्योंकि वो स्कूल्स और अदरवाइज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनको मिल जाती है वैक्सीनेशन। बट आफ्टर द एज ऑफ 40-45 ईयर्स यदि कोई सिम्टम्स नहीं है तो एक एग्जीक्यूटिव चेकअप जरूर हो जाना चाहिए, जिसमें लिवर फंक्शंस भी होने चाहिए। तीसरा, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सो ओबेसिटी मैं देख रहा हूँ उड़ीसा में काफ़ी पाई जाती है, लोगों की एब्डोमिनल ओबेसिटी, पॉन्च निकली हुई हैं, और ओवरऑल दे आर रूबीज। सो दीज पीपल, इनको थोड़ा सा ज़्यादा कॉशन लेना चाहिए, क्योंकि जो विसरल ओबेसिटी, पेट की ओबेसिटी है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, नॉट ओनली फॉर हार्ट बट ऑल्सो फॉर लिवर। सो हमें उसके लिए अवेयरनेस रखनी चाहिए। उड़ीसा में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है एज़ फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न, बट हमेशा स्कोप इम्प्रूव करने का रहता है, और पेरिफ्री में यदि डॉक्टर्स होएं और उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए बाय वे ऑफ से टेलीमेडिसिन या वाईफाई कनेक्शंस विद टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, आई एम श्योर उड़ीसा एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट अभी बन गया है, और हेल्थ में भी ये टॉप पे आ जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर चावला, आपको देखने से ही लगता है कि आप कितना हेल्थ कॉन्शियस हैं,
तो हम उम्मीद करेंगे कि जो मैसेज दिए हैं हम, जो हमारा जो व्यूअर्स हैं जो आपको सुन रहे होंगे, वो सब अपने जीवन में उसको सब प्रयोग करेंगे और उसका लाभ पाएंगे। जैसे आप अभी भी एनर्जेटिक डायनेमिक्स यंग लग रहे हैं, शायद सबको वही ज़रूरत है। शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर चावला, आज हमारे साथ आप आज आए, बहुत कुछ बात किए, बहुत कुछ रह भी गया, पर जो भी हो बहुत कुछ मैसेज मिला शायद सबको आज। शुक्रिया फिर से आपको। थैंक यू वेरी मच। बंधु समय सरी आस सुप्रभात को रखा। नमस्कार नमस्कार।